फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बहुत ठीक नहीं हूँ, जुकाम हुआ है। आज पीछे से आवाज़ बहुत आ रही होगी, आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे। वीडियो जाते जाते तो देर हो जाता है, त्यौहार निकल जाता है, लेकिन कोई नहीं, जो वीडियो बनाते होंगे उनको पता होगा कि एग्जैक्ट का तुरंत उसी दिन नहीं हो पाता है। गला में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठंडी भी लग रही है। छत पे आ गए हैं, नहा लिए तो आ गए छत पे। अब से मतलब दोपहर के खाना बनाने बस नीचे जाएंगे, काम हो गया है सारा, बस नाश्ता करने के लिए लेके आए हैं नाश्ता करने के लिए। कल रात को बनाए थे बाटी चोखा, कहिए लिट्टी चोखा। भैया हैं, भैया को मेरे लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है, और भैया को कोई भी मतलब पनीर दे दो, कुछ भी दे दो, और अगर ऑप्शन रख दो लिट्टी चोखा का, तो भैया को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। कल ये बनाया, लेके आए हैं। और मुझे दूसरे दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी लाए हैं, यही नाश्ता करेंगे। आज यही नाश्ते में था, कुछ बनाए नहीं क्योंकि अच्छा खासा बच गया था, सब लोग नाश्ता कर लिए हैं, अभी बस मेरे और मम्मी के लिए बचा है, यही है। अभी बच्चे भी नीचे लेके आए हैं, ले लिए हैं अपना। उन लोगों को धूप बहुत तेज़ लगती है, वो लोग नहीं आना चाहते छत पे। मुझे इतनी ठंडी लगती है कि कल भी यहीं पे चटाई पे लेटे थे कंबल ओढ़ के, क्योंकि धूप तेज़ लगता है, पैर में पीठ उठ में बहुत ज़्यादा लगता है, ओढ़ लिए थे। और नीचे जाने का भी मन नहीं कर रहा था, ठंडी भी लग रही थी नीचे जाओ तो, ऊपर धूप तेज़ लगा, तो ओढ़ लिए थे, ओढ़ के ही लेटे थे। सीधे दोपहर के खाने के लिए गए बनाने। अभी 2 घंटा है, 10:30 हो रहा होगा, बनाएंगे दाल चावल केवल बनाना है, पालक की सब्ज़ी बनाना है अपने लिए। अपने लिए क्या बनाएंगे, तो दोपहर में मम्मी भी ले लेंगी, बच्चे तो खैर नहीं लेंगे, ये भी आ ही जाएंगे। तो अभी 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हो भी गया था, और बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो रहे ना तो अच्छा नहीं लगता, तबीयत भी सही नहीं थी। कल तो बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे थे, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से भी नहीं बनाए, कहे कि छोड़ो। तो चलिए फिर खा ले, पहले नाश्ता कर ले, तभी लेटेंगे। दोपहर के 3-4 बज रहा होगा, दोपहर का समय हो, मतलब शाम का समय हो गया है। अभी खाना पीना तो खैर 2 ही बजे हो गया था, आज खाने में बिल्कुल सिंपल था, दाल चावल और साग की मटर टमाटर डाल के, भाई प्लेन साग बनाए थे उसकी सब्ज़ी थी, थोड़ा सा बच्चों के लिए आलू मटर के ऐसे सूखा भून दिए थे ताकि, और हाँ चिप्स चुर्री बहुत सारा छाने थे। बच्चे कई दिनों से कह रहे हैं कि खिचड़ी पे उनका रहता है कि खिचड़ी बनेगा तो बनेगा, तो इधर बीच खिचड़ी नहीं बन पा रहा है, तो फिर वही वो सब करे थे। अभी गए थे बाहर, पहले तो लगा कि पता नहीं आज रिपब्लिक डे है तो पता नहीं खुला होगा कि नहीं सब मार्केट, लेकिन 12 बजे के बाद लगभग सब खुल गए, क्योंकि सुबह ही ज़्यादा रहता है कि झंडा फहराना होता है तो सुबह ही रहता है। फिर ये भी उधर से आए तो देखे सब दुकानें खुली हुई हैं, तो कहे चलो चल रहा है, तो काम था मुझको भी तो चले भी गए। डॉक्टर को भी दिखाना था, जुकाम गले में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहें 3-4 दिन हो गया, नहीं तो कोशिश करते हैं कि 2 दिन तो पहले ऐसे ही रहे, सर्दी जुकाम रहे, तो खुल के जुकाम भी नहीं हो रहा, बस आँख टाइट टाइट से है। अभी तो नींद भी आ रही है, आज सोए नहीं है, इधर भी 2-3 दिन से सो जा रहा है, तबीयत खराब रह रही है। तो आज अपने समय पे जब लगातार 2-3 दिन सोए रहो ना तो फिर अपने समय पे नींद आता है, अभी नींद भी आ रहा है, जा रहे हैं, अभी कोई काम नहीं है, सारा काम हो गया है तो जाएंगे, अभी थोड़ी देर फिर लेटेंगे। अभी आपको दिखाएं किस लिए गए थे बाहर, साड़ी लेके आए हैं, लेना था अचानक से हुआ कि साड़ी लेना है, तो फिर
अपने लिए नहीं लिए हैं, देना है किसी को। तो साड़ी अभी चेक भी नहीं किए हैं कि कैसा है, दुकान पे खोलने नहीं देते हैं। तो ये ताकि कुछ भी कटा हो चाहे कुछ भी हो तो चेंज कर देंगे। तो परिचय का दुकान रहता है तो फोटो ढूंढने के लिए नीचे सोफा के अंदर जाना पड़ा, पूरा कहते हैं यही फोटो में पूरा है। बहुत अच्छी लग रही है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और जार्जेट में भी नहीं है, सिल्क में भी, मतलब पूरा सिल्क में भी नहीं है, चाहे पूरा तो सिल्क में भी नहीं है। वो सुंदर कलर बहुत अच्छा लग रहा था और जब देखे तब लगा, वैसे मेरे पास हैवी में, बहुत हैवी में इस कलर की साड़ी है, लेकिन जैसे सिंपल में डेली में नहीं है। ये साड़ी ऐसी है कि चाहो तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्टी में भी पहन लो और चाहो तो फिर डेली भी पहन लो, इतना नहीं है कपड़ा, डेली घर पे धुलने लायक कपड़ा है। फिर लेके चले आए, इस समय लगन भी चल रहा है ना तो काफ़ी भीड़ रह रही है दुकान पे, उनके पास भी समय नहीं होता है अभी कपड़ा तोड़ के। सिल्क टाइप में है, बहुत सिल्क भी नहीं है, कुछ और मिक्स, और पूरा प्रॉपर मुझको नहीं पता कपड़ा कैसा, मतलब कौन सा कपड़ा है। ये है नीचे की तरफ बॉर्डर, इतना चौड़ा। बाकी ये जो गोल्डन है वर्क, ये पूरी साड़ी में है, पूरी साड़ी में ये है। पूरी साड़ी में ये ब्लाउज इसी में है, डबल करके ब्लाउज इसमें भी करें सिलाई खोल के, ये है ब्लाउज है उसमें ये बॉर्डर, ये साड़ी। आजकल इस तरह की साड़ियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, प्लेन बॉर्डर और नहीं तो बनारसी टाइप की साड़ियां बहुत ज़्यादा। एक तो देखिए बनारसी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वही है ना कि ज़रूरत नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी अच्छी लगे लेना क्या मतलब है, लेके रखो। अभी ऐसे ही दो तीन साड़ियाँ ले लेके रख दिए हैं और पहने नहीं है। देखिए कलर, मेरे पास भी इस तरह के ये वाले कलर के साड़ी नहीं है, नेवी ब्लू है बट इस तरह के कलर के साड़ी नहीं है। अच्छी लगेगी साड़ी, अभी तो ऐसे ही जैसे तैसे है तो वैसे करके दिखा रहे हैं। साड़ी तो तभी अच्छी लगती है जब अच्छे से प्रॉपर पहनो, सब कुछ मैचिंग पहनो, तभी अच्छी लगती है साड़ी। और चाहे कुछ भी पहन लो, साड़ी में जो लुक आता है, चाहे कैसे भी रहे लो, मतलब किसी पे भी, साड़ी ऐसा नहीं होता कि साड़ी इनके पे सूट नहीं करता, उनके पे सूट, साड़ी सबके पे अच्छा लगता है। लेकिन आलस हो जाता है जब सूट पहनने लग जाओ तो साड़ी पहनने का मन नहीं करता है, बहुत कम, अब तो बहुत कम पहनते हैं। नहीं तो पहले तो था कि पहले रेगुलर भी था कि घर में साड़ी पहनना था, फिर कहीं जाना आना हो गया तो भी था कि घर से बाहर नहीं निकलते, अगर घर में भी जब सूट पहनना शुरू किए तो भी था कि घर में से बाहर साड़ी पहन के जाते थे, तो इसी बहाने पहन लेते थे। और अब तो खैर सब जगह सूट पहन के चले जाते हैं, कहीं छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो भी सूट पहन लेते हैं, तो फिर आलस हो जाता है, फिर मन नहीं करता। और ऐसे लगता है ना जैसे साड़ी के लिए बहुत सारा समय निकालना पड़ेगा, साड़ी पहनना है, साड़ी पहनना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता है, पहन लेते हैं, बहुत जल्दी पहन लेते हैं, लेकिन आलस हो जाती है। ये तो देखिए कान का भी उतारे हैं, पैर का पायल भी उतारे थे, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मन नहीं करता पहनने का, उतार के रख दिए। और ये भी है ना, सब बांधे रहो तो दिखता भी नहीं है कि नहीं पहने, अभी तो टोपी पहन के गए थे, टोपी उतारे हैं तो दिख रहा है, नहीं तो दिन भर कान बांधे रहो तो। और इधर भी थोड़ा सा धूप निकल रहा है ना तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन मुझे बुखार है इस वजह से ठंडी थोड़ी समझ में आ रही है, दिन भर पहने रहते हैं
रात में भी मोजा पहन के सोते हैं, कान बांध के सोते हैं, क्योंकि तब भी ठंडी लगती है, इस वजह से भी कान दिख ही नहीं रहा था। हाँ, ओम के बर्थडे के दूसरे दिन से ही खोले हैं, लेकिन पता भी नहीं था कि कान में पहने नहीं है। चलिए फिर, पता नहीं वीडियो कितना बड़ा हुआ है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।